क्या अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन उनके मिल्ला उनके तौर तरीके से फिर जाओगे? उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ रहे हो। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमुल्लाह इसी सिफ्त में किताब तौहीद के अंदर बयान करते हैं कि कलमे का माना अबू जहल अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया आज के मुसलमानों से कहीं ज्यादा बेहतर जानते थे। वो मानते नहीं थे, अलग बात है, लेकिन जानते थे इस कलमे के पढ़ने के बाद बाप दादा के तौर तरीके रस्म रवाज या उलमा के लिए फुकहा के लिए किसी की कोई बात नहीं चलेगी, बात सिर्फ अल्लाह की और रसूलुल्लाह की चलेगी। वो मानते थे और जानते थे इन चीजों को, तभी कलमा पढ़ने से इनकार करने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि तुम अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के तौर तरीके से फिर जाओगे, यानी कलमे का मतलब उन्हें समझता था कि अब बाप दादा के तौर तरीके नहीं चलेंगे, अब सिर्फ अल्लाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें इसकी तशरीह की, सलफ़ सारे ने इसके बारे में बहसें की, ये
अलग है। अपनी तस्वीर के अंदर वो अहादीस का सहारा बहुत कम लेते हैं, इसका मतलब क्या है, यानी हदीस से ज्यादा अहमियत तुम्हारी अक्ल की है, तुम्हारी फहम की है, तुम्हारी सोच की है। कुरान जिसके ऊपर नाजिल हुआ वो कुरान को नहीं समझेगा, कुरान जिन लोगों के सामने नाजिल हुआ वो कुरान नबी को नहीं समझेंगे। हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला ने इमाम तालिब ने किया एक मतलब जब इन्होंने कुरान में एक हदीस को पेश किया, पेश करने के बाद एक शख्स कहने लगा कि इनाम अल्लाह की मालिकारी को कहा जाता है कि अल्लाह की किताब में इसके खिलाफ मौजूद है, यानी ये हदीस अल्लाह की किताब कुरान मजीद के खिलाफ है। उन्होंने इंतहाई सख्त लहजे में कहा था अला कुरान ही मुहद्दिस मा रसूलुल्लाह वता बिल किताबिल्लाह, मैं तुम्हारे सामने हदीस रसूल बयान कर रहा हूं, आप उसे अल्लाह की किताब कुरान मजीद से टकराने की कोशिश कर रहे हो। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम की किताब अल्लाह की का अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर अल्लाह की किताब को जानते थे, तुम कौन होते बयान करने वाले कि यह हदीस कुरान के खिलाफ है। ये बहुत संगीन मामला है। तो ये जो अहादीस का बहुत कम सहारा लेते हैं और खुद बयान भी करें, उनका अपना ज़ौक और मिजाज तफसीरुल कुरान में कुरान है। ठीक है, कुरान मजीद में कहीं पर इख्तिसार के साथ किसी वाक्य को बयान किया गया तो कहीं उसकी तफसीर है, लेकिन ये सारी चीजों के मुताबिक नहीं है, कुछ चीजों से मुताबिक है। अब देखिए ये जो जुमला नकल कर रहे हैं ये दिल को थर्रा देता है। हदीस की अजमत इन लोगों के नजदीक है ही नहीं, ये हदीस के मुकाबले में अजबार सहाबा की अकवाल सलफ सवाले इन लोगों की फहम के मुकाबले में अपनी अकल को आप अपनी सोच को कितनी अहमियत देते हैं जरा गौर कीजिए। ये जुमला लिख रहे हैं कि चनाच बास मामला में जो उन्होंने मुत्तफकुन अलैह हदीस को भी लायक इत्मीनान नहीं समझा, यानी वो हदीसें जो मकाम और रुतबे के एतबार से सनद के एतबार से सबसे बुलंद तरीन है उसके बारे में, और क्या कहते हैं कि उन्होंने मुत्तफक अलैह हदीस को भी लायक इत्मीनान नहीं समझा और उठाकर फेंक दिया नऊज़ु बिल्लाह। ये जुमला है जिन लोगों के नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की अजमत को कभी तरीके का जुमला बयान नहीं करेंगे, सुनना वाला नहीं करेंगे। ये तहरीर में तकरीर में हर जगह मौजूद है, इससे समझ में आता है कि इन लोगों के नजदीक अपनी अमलों की अहमियत कितनी ज्यादा है और अहादीस की अहमियत बेमाना है। तभी ये मुत्तफक अलैह अहादीस को भी नकल नहीं करेंगे, अपनी राय को बराबर का नकल करेंगे। तो बयान करने का मकसद ये है कि अहले सुन्नत वल जमात का मतलब जो अकीदे में और मनहज में असहाबे किराम की फिक्र के मुताबिक थे। अब अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा इस बात में क्या है, यहाँ अहले सुन्नत वल जमात का दावा है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, उस पर कुरान करीम सुन्नत रसूल इजमाए उम्मत अक्ल और फितरत दलालत करते हैं, सारे दलाल इसके पर मौजूद है। हर शख्स इस बात से बखूबी वाकिफ है कि उलू यानी बुलंदी सिफत कमाल है, सिफत कमाल है और अल्लाह सिफत कमाल से मुतसिफ है। अल्लाह की किसी सिफत के अंदर कोई नक्स कोई खराबी नहीं, ना उसकी जात में ना उसकी सिफात में। तो जब सिफत उलू ये सिफत कमाल है इसलिए हम इसे अल्लाह के लिए साबित मानते हैं, लिहाजा अल्लाह ताला के लिए इसे साबित करना जरूरी है क्योंकि अल्लाह ताला तमाम सिफात कमाल से मुतसिफ है। इसलिए हम कहते हैं कि तीन ही सूरतें हैं, या तो अल्लाह ताला ऊपर होगा या नीचे होगा या बराबर होगा, यानी सब जगह नीचे और बराबर होना तो मुमकिन है, नामुमकिन है कि अल्लाह ताला नीचे हो या तो बराबर हो हमारे, नामुमकिन चीज है क्योंकि नीचे होने में मानवी नक्स है, कोई चीज जो नीचे होती है इसे मानवी के इतिहास से गिरा हुआ समझा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक सेवा नहीं है, और बराबर होने से मखलूक के साथ मुशाबहत और मुमाथलत लाजिम आएगी, लिहाजा ये भी चीज सही नहीं। अब सिर्फ उलू बाकी रह गया जो कि सिफत कमाल है, लिहाजा अल्लाह ताला को सिफत उलू से मुत्तसिफ कर दिया, साबित हुआ कि अल्लाह ताला तमाम मखलूकात से ऊपर अर्श पर बुलंद है, अल्लाह का अर्श आसमान पर है, अल्लाह ताला का सब मुबसर इल्म कुदरत हर चीज को मुहीत है। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अब यहां सबसे अहम सवाल इस
के कभी कभार बहस चल रही है कि अल्लाह तबारक व तआला कहां है, ये बहुत अहम सवाल है। चुनांचे इसी में हमें अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा जैसे कि बयान किया गया, अल्लाह अर्श पर मुस्तमी है। मैं पहले चूंकि जो बात आगे आने वाली है जो हम रद्द करना चाहते हैं इन चीजों का उसे बयान कर दूं कि इसी किताब के अंदर सफा नंबर 67 पर डॉक्टर इसरार अहमद की तहरीर है और इसे तहरीर करने लाया गया है सूरह हदीद की तफसीर के तौर पर उम्मुल मुसब्बिहा। ये कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के तालुक से कुछ बातें आगे पीछे की भी नकल कर देना जरूरी है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है हम जहां कहीं भी हो, ये उनकी इबारत में पेश कर रहा हूं, लेकिन कैसे है ये हम नहीं जानते। बात बार-बार की कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते अल्लाह कैसे है, हम उसकी कैफियत को नहीं जान सकते। बास लोगों ने अपनी जहनी सदे के इतबार से अल्लाह ताला के बारे में तजसीम का तस्वुर कायम किया है। तजसीम यानी जिस्म, और ये वही बात है जो आगे आएगी कि अगर हम अल्लाह को अर्श पर मुस्तवी मानते हैं, अल्लाह को सबसे बुलंद मानते हैं, तो अल्लाह के लिए तजसीम लाजिम आती है जैसा कि लोग कहते हैं। नहीं, ये फजूल आबादी ख्याल है कि अगर अल्लाह को सबसे बुलंद मान लिया जाए तो अल्लाह के लिए तजसीम लाजिम होगी, ये बातिल ख्याल है। तो ये कहते हैं कि बास लोगों ने अपनी जहनी सतह के इतबार से अल्लाह ताला के बारे में तजसीम का तसव्वुर कायम किया है कि वो किसी जगह किसी मकाम किसी मकाम पर महदूद है। अब ये जो नकल कर रहे हैं कि किसी जगह यानी उलू किसी मकाम यानी अर्श आता है और उसके बाद किसी मकाम पर महदूद है, महदूद जो इस्तेमाल किया गया ये कहीं से साबित नहीं। अगर हम अल्लाह को कहते हैं कि अर्श पर मुस्तवी है तो क्या लाजिम हो गया कि अल्लाह को अपने महदूद कर लिया रसूल अल्लाह? ये कौन होते हैं इसके लिए हद कायम करने वाले? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करते हैं। अल्लाह ताला की जात के बारे में ऐसा तसव्वुर माशाल्लाह सुना माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त नहीं। ये वाज़े तौर पर अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने को रद्द कर रहे हैं। अब मैं ये बताना चलो ये हजरत नाउज बिल्लाह अल्लाह के अर्श के कायल नहीं है। कुरान में इसका तस्किरा है, हदीस में जाकर तस्किरा है, उसको नहीं मानते। ये हमारे ईमान का हमारे अकीदे का हिस्सा है। जो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इन चीजों का कायल नहीं उसका ईमान उसका अकीदा दुरुस्त नहीं। तो ये रद्द कर रहे हैं। अब ये क्या करें, वो तो हर महान हर जगह मौजूद है, ये वाज़े तौर पर अपना अकीदा बयान कर रहे हैं कि वो हर जहां वो तो हर महान हर जगह मौजूद है, अल्बत्ता कैसे है ये हम नहीं जानते, ये उनके कहने का मतलब है। अब इसी जिन्न में जो बातें हैं वो आगे की आने वाली है। ये जो कह रहे हैं कि अल्लाह हर आन हर जगह मौजूद है, इसे वहदतुल वुजूद से काबिल किया जाता है। अब यहाँ अल्लाह ताला है, देखिए अल्लामा इब्ने अबी इस रहीमुल्लाह ये कौन है, ये शरहुल अकीदत तहावीया लिखने वाले जिसे इमाम जाफर तहावी ने लिखा था, किताब के लिखने वाले हनफी और इमाम इब्ने अबी इस रहीमुल्लाह ये भी हनफी है, लेकिन ये वो हनफी नहीं है जो आज के हनफी होते हैं जो अकीदे में बिगड़े होते हैं, मसलकन कुछ और होते हैं, सुन्नत फुरूअन कुछ और होते हैं। ये लोग अपनी निस्बत हनफी करते थे लेकिन किताब सुन्नत के मानने वाले सभी अकीदे के हामिल थे। जनाब चलिए खुद बयान करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के तालुक से अल्लाह इब्ने अबी इस रहीमुल्लाह बयान करते हैं, लिखते हैं कि अगर आप हदीस रसूली और कलाम सलफ को सुनते हैं तो इसमें अल्लाह ताला के अर्श पर बुलंद होने के बेशुमार सबूत मिलेंगे। यहां बात आगे भी आएगी लेकिन मैं पहले बयान कर दूं, हम लोग बात तो कहते हुए गलती कर जाते हैं। आमतौर से हम लोग क्या कहते हैं रब अलमीन के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला बैठा है, नहीं कुरान में हदीस में किसी जगह के पर अल्लाह के लिए लफ्ज बैठा इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बैठा है बलत है, नहीं कहीं पर भी अल्लाह के लिए लफ्ज बैठना इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये उसकी सिफत नहीं है। लिहाजा इस जुमले को दुरुस्त कीजिए, ये कहो अल्लाह अर्श पर बलत हुआ अर्श पर मुस्तवी है, ये कुरान और हदीस का अकीदा है। तो ये कहते हैं कि अर्श पर
पलट होने के बेशुमार सबूत मिलेंगे। अर्श का पलट होता ये नहीं कि अल्लाह तआला बताया अर्श का पता है, जिस तरह के आज हम कुर्सी के ऊपर बैठे हैं इसका मतलब कुर्सी हटा दी जाए तो बैठ नहीं पाएंगे, नहीं, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है इसका मतलब अल्लाह पलट है। इसी की तफसीर बयान करते हैं मुहदीसी ने कहा है और सलफ ने कहा है कि इस्तवा का मतलब होता है आला वर्तफा यानी पलट होना। इस्तवा का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह नाज़िला बैठा हुआ है या अगर हम अपनी जमान में गए तशरीफ फरमा है, नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है या तो ये कहेंगे कि अल्लाह अर्श पर पलट है। ये सही ताबीर है जो कुरान हदीस के अंदर आई है। आगे वही बेहतर है कि अल्लाह ताला के अर्श पर बलंद होने के बेशुमार सबूत मिलेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने जब मखलूक पैदा की थी तो उसने अपनी जात के अंदर नहीं पैदा किया था, बल्कि अपनी जात के बाहर पैदा किया, अपनी जात के अंदर नहीं। अल्लाह ताला इससे मुनज्जा कर रहा है कि वो अपनी जात के अंदर मखलूक को पैदा करे, क्योंकि वो अकेला और बेनियाज है। अकेले पर अपना सबूत खत्म हो जाएगा अगर ये कहेंगे अल्लाह ने अपनी जात मखलूक को पैदा किया, अकेला कहा रह गया, अब उसकी जात में नहीं और सारे समा गई है, वो अकेला नहीं रह गया, ना उसने किसी को जना और ना को जना गया है। लिहाजा ये बात तय है कि अल्लाह ताला ने मखलूक को अपनी जात से खारिज पैदा किया, अपनी जात से अलग पैदा किया। अल्लाह कायनात की जात और कायनात से जुदा है, वो कायनात में नहीं है। इस सिफत के साथ अगर अल्लाह ताला अपनी जात की गलती से मासूम ना हो तो मादा इसके बिल्कुल बरस होगा, यानी लाजिम आएगा कि मखलूक से जुदा नहीं है, यानी मखलूक ने समाया हुआ है, कायनात के अंदर पाया जाता है, जो कि बातिल है, गलत है। अब इस सिफत में बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं, मैं चंद दलाइल आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान किया सूरह नहल आयत नंबर 50, अल्लाह कहता है यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम कि अल्लाह के बंदे अपने ऊपर वाले रब से डरते हैं। अल्लाह ने कितने वादे किया कि अल्लाह के बंदे अपने से ऊपर वाले रब से डरते हैं। कुरान वाज़ह तौर पर फौक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है ऊपर। और दूसरी दलील जैसा कि सूरह अनाम 18:161 नंबर की आयत है वहुवल काहिरु फौका इबादी कि वो अपने बंदों के ऊपर हाकिम है। लफ्ज फौत यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ, अल्लाह ऊपर है। अलम अजीम अल्लाह ने इशार फरमाया सूरह मारी आयत नंबर 4 में तअरुजुल मलाइकतु व रूहुल इलैह फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसकी तरफ चढ़ते हैं। मेराज अरबी जबान में सीढ़ी को कहा जाता है, नीचे से ऊपर जाने का एक जरिया आला होता है। तो फरिश्ते अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह बुलंदी पर है, नीचे नहीं है या हर जगह मौजूद नहीं है। अगर हर जगह मौजूद होता तो फरिश्तों को चढ़ने की जरूरत क्या थी। ये गुला गुला बदल इन सारी चीजों के अंदर और भी बहुत सारे दलाइल जैसा कि अल्लाह ने खुद बयान किया सूरह फातिहा आयत नंबर 10 में इलैही यसअलुल कलिमुत तय्यिब अल्लाह की तरफ पाकीज़ा कलमात चढ़ते हैं, बुलंद होते हैं। हाँ, हदीस के अंदर भी इसके दलाइल मौजूद है। एक मशहूर रिवायत जिसे इमाम अबू दाऊद वगैरह ने मुस्नद बज़ार और अल-मुनीर अल-कबीर तबरानी बहुत सारे अहादीस की किताबों के अंदर सही सनद के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा यस्तहयी मिन इबादिही इज़ा रफ़अ यदैही अन यरुद्दहुमा सिफ्रा कि जब बंदा अल्लाह की तरफ अपने दोनों हाथों को उठा लेता है दुआ के लिए, जब अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह को हया आती है उसके हाथ को खाली लौटा दे। अब यहाँ पूरे तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि हाथ को उठाया जाता है, यानी अल्लाह ऊपर है तभी हाथ उठाया जाता है, अगर वो हर जगह मौजूद होता तो हाथ को उठाने की जरूरत क्या थी। तो ये वाज़ह तौर पर है। आगे जैसा कि एक मशहूर रिवायत जिसे इमाम बुखारी वगैरह ने नकल भी किया है कि हर रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ रुसूल फरमाता है। अब ये रुसूल उसकी शाया निशान है, वो किस तरह है वल्लाह ही लेता जाता है, हमको जो बयान कर दिया जो हम मानते हैं। अलावा से मुस्लिम की मशहूर रिवायत भी है हजरत वला के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब इकराम से सवाल किया था अला अलबल्लम कि क्या मैंने अल्लाह का दीन अल्लाह के आकामात उन लोगों का
तक पहुंचा दिए। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मतलब का वाद नहीं था या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल आपने सिर्फ पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर लिया। कुरान ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और काविश के बारे में बयान किया, ला लगा था कि उनका सका ला था इन लोग के प्रियों के हाल का नहीं दिया सका। लगता ऐसा है कि आप अपनी जान हलाकत में डाल देंगे अगर ये अल्लाह के इस कलाम के ऊपर और इस दीन के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत किया करते थे, बहुत ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ थी, रुकावटें डाली गई, लेकिन आप पास नहीं आए, आप अल्लाह का दीन बंदों तक पहुंचाते रहे। उसके बाद जब इन लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ अपने गुलाम के लिए उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा फशल अल्लाहुम्मा फशल अल्लाहुम्मा फशल, अल्लाह तू गवाह है, तू गवाह है, तू गवाह है कि मैं तेरा काम कर चुका, मैंने अपने फरीजे और जिम्मेदारी को सही तौर पर निभा दिया, ये गवाह मौजूद है, तू भी गवाह बन जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई, यही इस बात की दलील है कि अल्लाह आसमान पर है ना कि हर जगह मौजूद है। ये दलाइल थे जो कुरान और हदीस के जो अल्लाह के इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला कहां है। अब यहां एक अहम बात जो चीज यहां नकल की जा रही है, अल्लाह उलू यानी बुलंदी की सिफत से मुतसिफ है, इसके ऊपर दलाइल को पेश किया जा रहा है, तभी बहस है। मैं चंद बातें सिलसिला में सामने रखने की कोशिश करूंगा। यहां हजरत मुआविया बिन हकम सुलेमी रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि इस बाब में बुनियादी हदीस है जिसे इमाम मुस्लिम ने रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। ये कहते हैं कि एक लौंडी थी जो हुदैबिया और जवाबिया, ये ओहद और जवाबिया इस मकाम के ऊपर बकरी को चराया करती थी। अब एक दिन हुआ कि उनके वो बकरियां चरा रही थी, एक भेड़िया आया और एक बकरी को उठा ले गया, सो मुझे अफसोस हुआ और मैंने उसे गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार दिया। इंसान थे, बेताब हो गए और इतनी बातचीत के जानवर का नुकसान था, बड़ा नुकसान था। जनाब जो बाप उन्हें पछतावा हुआ कि मैंने गलती की है, एहसास हुआ मुझे नहीं मारना चाहिए था, तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको लेकर गया और कहा अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूँ इसको आजाद कर दूं। सोचिए आजाद की एक बहुत बड़ी कीमत थी, एक गुलाम को आजाद करने अपने आप को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी रकमें देना पड़ता था, सालों मेहनत करने के बाद वो अपनी गुलामी से आजादी की रकम जुटा पाता था। एक सहाबी ने सिर्फ एक थप्पड़ के मारने की बुनियाद पर, हालांकि उस लौंडी की गलती थी लेकिन सजा इतनी बड़ी नहीं देना चाहिए था, एक थप्पड़ के मारने की वजह से उन्हें एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चुनाचे उसे आजाद करने का है, मैं इसे आजाद करना चाहता हूं, अपने मालिकों के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, अगर अल्लाह ने आपको अमीर बनाया है, सेठ बनाया है दुकान का या किसी फैक्ट्री का मालिक बनाया है, तो अपने मालिकों के साथ नौकरों के साथ अच्छा सुन करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जाते हुए दो अहम पैगाम दिए थे, अस्सलाम अस्सलाम व मा तलक अल-ईमान को, नमाज कायम करना, नमाज अदा करते रहना, और जो तुम्हारे मातहत हैं, मातहत में सब आते हैं, चाहे बीवी हो बच्चे हो, जो हमारे मातहती में निगरानी में आते हैं, अल्लाह ने अगर हमें बड़ा करवा दिया, जो हमारे जेर सरपरस्ती काम करने वाले हैं, निगरानी काम करने वाले, या अल्लाह ने अगर हमें किसी जगह पर मालिक बना दिया, वहां पर मजदूर करने का काम कर रहे हैं, या अगर हम स्कूल में काम कर रहे हैं, कारखाने में गर्मी कर रहे हैं, जो हमारे मातहत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन लोगों के साथ एहसान करना, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के साथ एहसान ये बंदों का हक है, दोनों के बारे में आपने तल्कीन की, दोनों अहम चीजों को बयान किया। चुनांचे ने एहसास का आसार करने के लिए लाए, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाने के बाद उससे सवाल किया, कहा कि एक ही बेहा उसे मेरे पास का पाते ही दिया, मैंने कराया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा अल्लाह अल्लाह कहाँ है, तो उसने क्या कहा इस्समा अल्लाह आसमान में है, तो ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वरना मैं कौन, कौलन अंत रसूलुल्लाह, उसने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जैसे ही उसने तीनों सवाल के जवाब दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपने कहा फइन्नहा मुमिना, इसे आजाद कर दो ये मोमिना है, आजाद कर दिया।
एक लौंडी को नहीं पता था कि अल्लाह कहाँ है और आप मुसलमान को पता नहीं है कि अल्लाह कहाँ है। यही वजह है कि अरब उलमा उमूमी तौर पर जब हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं अब उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे तबके के लोग भी मौजूद है। खासतौर से अब ये सिस्टम बंद हो गया है, वरना मदीना यूनिवर्सिटी से हिंदुस्तानी जामिया के बच्चों को ले जाने के लिए पहले उनका तदरीबी सुबह करता था जो तकरीबन एक महीने का मुश्तमिल होता और उसमें इंटरव्यू लिया जाता, उसके बाद पढ़ाई होती, पढ़ाई के बाद एग्जाम होता और उसी बुनियाद के ऊपर उन्हें मदीना यूनिवर्सिटी के लिए मुंतखब किया जाता था। अल्लाह ने उनको बहुत सही बनाया है। जैसे ही वो किसी ऐसे जामिया के बारे में देखते कि ये सलफी मसलक नहीं है तो इंटरव्यू में पहला सवाल किया करते थे, ऐ अल्लाह बताओ अल्लाह कहाँ है, वही जवाब दे जाने में मौजूद है। फौरी तौर पर बल्कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, आपने उस लौंडी से सवाल किया कि बताओ अल्लाह कहाँ है, इधर उधर के सवाल आप नहीं किए, सिर्फ दो सवाल किए थे अल्लाह के बारे में अपने बारे में, और जो इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से जानता है हकीकत में वही मोमिन है। और कब्र में यही दो सवाल हो गए, तीसरा सवाल दीन के मुताबिक होगा जो इन दोनों से जुड़ा हुआ है। अल्लाह के बारे में सवाल होगा कर्म तेरा रब कौन, और दूसरा सवाल होगा कि अल्लाह के रसूल के बारे में, और तीसरा दीन के बारे में। ये एक दूसरे से मुंसलिक रिलेटेड सवाल है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं चीजों के बारे में सवाल किया। यहाँ अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह इनका अकीदा पहले बेकार हुआ था, बाद में अपने अकीदे की इस्लाह की और जो अकीदे की खराबियां थी उसके रद्द में किताब लिखी। आज भी अहनाफ अपने आप को क्या कहते हैं, अकीदतन अशअरी माधुरी, ये वही अशअरी है। अल्लाह ने इनको तौफीक दी इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह को, वो सलफी अकीदा हो गए, अपने अकीदे की खराबियां दुरुस्त कर दी लेकिन बाद में आने वाले नहीं सुधर पाए और उसी गलती के लिए बताए हैं वो तो अपनी इस्लाह करके और अपनी जिम्मेदारी को अदा करके निकल चुके हैं। बाद में कोई नहीं कर सकता उनकी किताब की दुनिया पर पूरा हुए नहीं, उन्होंने उसके रद्द में किताब भी कर लोगों के सामने शाया कर दी। ये कहते हैं हाजा यकुल वाला अन अल्लाह तआला अला अशरीफ मुकसबा, कि ये हदीस दलील है कि अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर अपने अर्श पर है। वाज़े दलील मौजूद है। इमाम इब्ने अबिल अब्दुल बर रहमतुल्लाह बयान करते हैं इस हदीस का मफ़हूम वाज़े है, इस पर मज़ीद कलाम करने की जल्दा जरूरत नहीं। रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के सवाल के अल्लाह कहाँ है और लौंडी का जवाब के अल्लाह आसमानों के ऊपर है, अहले हक़ यही अकीदा है, तो ये इस बात में बिल्कुल वाज़े दलील है, इसे यहाँ पर साहिब किताब ने नकल किया है। इसी में थोड़ी भी कुछ अहम बातें बयान करना जरूरी है। खास तौर से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये अकीदा असहाबे किराम का भी था या बाद के लोगों का, तो ये बात जान लीजिए मैं सिर्फ असहाबे किराम के अकीदे को नकल कर रहा हूं, वरना आखिरी जो सदी चल रही है जिंदा भी हमारे इतिहास से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर चौदहवीं सदी तक की दलाइल मौजूद है कि तमाम सलफ सालेह का यही अकीदा था। सारी चीजें दलाल मौजूद है, असहाबे किराम का अकीदा क्या था बयान करना जरूरी है। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला इमाम बुखारी ने अपनी किताब तारीखुल कबीर बहुत मशहूर किताब है इसमें नकल किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई वफात के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात वमन काना यअबुदु अल्लाह फइन्न अल्लाह फिस जो नकल की गई उसमें समा का लफ्ज नहीं है लेकिन ये तारीख उल कबीर की रिवायत है इसमें लफ्ज मौजूद है। वो कहते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो जानने के आपको मौत आज भी है और जो अल्लाह ताला की इबादत करता था तो अल्लाह आसमानों के ऊपर जिंदा है उसे कभी मौत नहीं आएगी। इसमें दो अहम बातें हैं, पहली बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए लोग डरते हैं, डरते क्या है कि उनको
उनकी अकीदे की खराबी है कि इस्लाम सबको इस्तेमाल नहीं करते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्लीम नहीं है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती है कि आपके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए मौत का। अगर ये बेइज्जती होती तो अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर आपकी इज्जत और तौकीर करने वाला कोई नहीं था। क्या हम नाउज़ुबिल्लाह अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर नबी की इज्जत और आपकी शान को जानते हैं कि हम ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे? कुरान मजीद में जब ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालुक से गौरा मोहम्मद रसूल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल है अफई माता, वाजह तौर पर कुरान मजीद ने कहा कि अगर आपकी मौत आ जाती है, कुरान का कहना है इन्ना मैयित वइन्ना मैयित, आपको भी मरना है और इन सारे लोगों को मरना है जो सोचे कि आपके मरने की वजह से दीन खत्म हो जाएगा, नहीं सब मर रहा है। तो ये लफ्ज जब कुरान में है जिसकी तिलावत के पर हमें अजर मिलता है गुनाह नहीं मिलता, जब हम इस्तेमाल करेंगे अफ़ाली माता तिलावत के तौर पर तो हमें उतने हर्फ का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, गुनाह नहीं मिलेगा। आज जब हम ये कहेंगे इन्ना तबई कि आपको भी करना है, आपको मौत आएगी, गुनाह नहीं मिलेगा, ना नबी की शान घटेगी बल्कि सवाब मिलेगा, ये हमने अपनी तरफ से ख्याल बना लिए जो हदीस की फिक्रों के बिल्कुल खिलाफ। आज जब ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कही थी, पूरे मजमे में कही थी, अकेले नहीं कहा, चंद लोगों के दरमियान नहीं कहा, सारा मजमा मौजूद था, सारे ग्राम का हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने इनकार नहीं किया। यही इस बात की दलील है कि इसके पर असहाबे किराम का इजमा है, किसी ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। अब उसी पर ये कह रहे हैं कि अल्लाह आसमान में है बलंदी पर, तो ये असहाबे किराम का भी अकीदा है। इसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी इमाम दारमी ने एक किताब लिखी है अर-रद्दु अला अर-रईसी, और भी बहुत सारे अइमा ने बाकायदा इस तरह की किताबें लिखी जो अकीदे में गुमराह थे उन लोगों के रद्द के तौर पर। आप जब बुखारी पढ़ेंगे तो आपको बाकायदा चैप्टर मिलेगा जहां पर इस तरह के लोगों का रद्द करने के लिए मुस्तकिल चैप्टर कायम किया इमाम बुखारी ने। तो ये अइमा ने इस बारे में इतनी ज्यादा तवज्जो दी, इमाम साहबी की किताब अल-उलू लिद-दहाबी यानी अल्लाह की सिफत उलू के बारे में सही सनद के साथ नकल करते हैं कि हजरत उमर फारूक बयान करते हैं कि रोज कयामत जमीन के कादी के लिए आसमान के कादी यानी अल्लाह ताला की तरफ से हलाकत है। ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह आसमान में है, तभी वो कह रहे हैं कि आसमान के कादी सिवाय उस काजी के जो अदल का हुक्म देता है और हक के मुताबिक फैसला करता है, ख्वाहिश नफ्स रिश्तेदारी रहमत और मोहब्बत की बिना पर फैसला नहीं करता बल्कि हर चीज को किताब अल्लाह की रोशनी में हल करता है। यहाँ पंच लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है जो हजरत उमर फारूक ने की कि कयामत के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला की किताब उसकी शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं करता पंचायत होते हैं। अफसोस होता है कि बात तो फरले के साथ कर रहे, नहीं ये फतवा नहीं चलेगा, हम फतवे के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, जब आप अल्लाह की शरीयत नहीं मानते तो हम तुम्हें भी माने, ऐसी किसी पंचायत में नहीं बैठना चाहते जहां अल्लाह की किताब के फैसलों को रद्द किया जाए। तुम अल्लाह के फैसले नहीं मानते, हम तुम्हें नहीं मानते, अफसोस है कि हम बैठे रहे और यहाँ अभी तो कुछ नौफेज पंचायत होने वाले पैदा हो गए जो अमली मामलों के एतबार से फैसले करते हैं। और यहाँ मुफ्तियों की जसारत भी हैरत अंगेज है जो इस तरह के पंचायत तोड़ने वालों को हवा देती है। विरासत का फैसला विरासत कुरान में साफ कहता है मरने के बाद है, यूसी को हुआ फी औलादी को मिलता था इस प्रकार से उसे पूरे आयत पढ़िए हर जगह कुरान में क्या लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं मिम्मा जो उन्होंने छोड़ा है, जब तक दुनिया में इंसान जिंदा है वो पानी का छोड़ा था, मरने के बाद छोड़ता है तो जिंदगी के अंदर विरासत का नहीं है, साफ बात है। एवर जैसी की शक्ल में जहां मुफ्तियां फतवे देते उसके लिए हमारे सामने बिल्कुल वाज़ह दलील जिसे इमाम बुखारी ने नकल किया हजरत उमर बिन बशीर की के अपने बच्चों के दरमियान अदल होगा इंसाफ होगा। यहां जिस तरह
शरीयत में तरके की नसीब है, इस तरह नसीब नहीं होगी। एक गुलाम के तरह तैयार करेंगे। जब उन्होंने हजरत नुमान ने बशीर को देना चाहा, ताकि बशीर की अलमारी और भी औलाद है, ताकि हाँ सबको दिया, ताकि नहीं ताकि जाओ वह जुल्म पर दबा नहीं बनता, वापस कर दिया। इतनी वाजह दलील है कि अगर जिंदगी में अपने औलाद के दरमियान कुछ देना है तो इंसाफ करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करने का अदा करते हैं, उन्हें अर्श के दाहिनी तरफ जगह दी जाएगी, नूर के मिंबरों के ऊपर बिठाया जाएगा। ये अदल इंसाफ है। आपकी दावत तकुल्लाह वअतीउ बैन अबनाइकुम, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो। इतने वाजे दलाल मौजूद है उसके बाद कहते नहीं, ये तरका नहीं है जो आप तस्दीक करते हो। शरीयत वाजे तौर पर कह रही है कि मरने के बाद में मरने से पहले आप कौम के तस्दीक करने वाले और उसके बाद में इंसाफिया मात्र लड़ने के साथ चल रहा है। जो फैसले कर देते हैं कोई गरीब मौजूद नहीं है। ये याद रखिएगा कि कयामत के रोज जमीन के कादी के लिए आसमान के कादी आए अल्लाह की तरफ से हलाकत है। ये बात याद रखिए, अगर हम पंच की हैसियत से नहीं बैठकर फैसले करते, झुकाव नहीं होना चाहिए, अदल की बुनियाद के ऊपर फैसले होना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी कौल है जिसे किताब तौहीद इब्न खुज़ैमा ने नकल किया है। ये कहते हैं एक आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल की मसाफत है। जमीन और आसमान दुनिया के दरमियान 500 साल का फासला है। साफे आसमान से कुर्सी तक 500 साल का फासला और कुर्सी और पानी के दरमियान 500 साल का फासला है। और पानी पर अल्लाह का अर्श है और अल्लाह अर्श पर है। ये वहां से अकीदा बयान कर रहे हैं कि अल्लाह हजरे मौजूद नहीं है बल्कि वो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, बुलंद है। ये अकीदे से मुताबिक कि अल्लाह सिफत रूह से मुतसिफ है, यही असाबे किराम का अकीदा है। किताब सुन्नत के अंदर इसके बारे में दलाल मौजूद है। रहा मसला इस बारे में लोग शुकूक और शुबहात पेश करते हैं, ये बहुत तवील बहस है जिसका एक हिस्सा मैंने आपके सामने पेश किया है, वरना ये बहुत तफसील तलब मौजूद है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका रहा तो ये जो बातें और बहस रह गई है, बहुत सारे इतराज शुकूक और शुबहात लोगों के सामने पेश किए जाते हैं और हैरत होती है कि कुरान और हदीस से दलील पेश करने की कोशिश की जाती है कि देखो अल्लाह हमारे में मौजूद है, जबकि वो तशीक किया जाता है, साबित नहीं किया जाता। तशीक करना अलग है कि आप ठीक साहब के खुद भी साबित कर सकते हैं, लेकिन दलील के साथ साबित होना वाजे तौर पर एक अलग चीज है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमारे अकीदे को मुस्तकीम बनाए। वो अकीदा जो किताब सुन्नत और फैन सलफ की रोशनी में हो, हमें अकीदे की और फिक्र की तमाम गुमराहियों से महफूज रखे और अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा अल्लाह की किताब उसकी सिफात से मुताल्लिक है उसी तरह के अकीदे का नामरीन बनाए। हर किस्म